तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि किसानों के बाद देश के डॉक्टरों ने मोदी अमित शाह को दिया तगड़ा झटका। एम्स के 5000 डॉक्टर आज गए हैं भूख हड़ताल पर, मोदी अमित शाह की बढ़ा दी है मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन में आज एक और किसान की मौत, तो भड़क उठे मोदी अमित शाह पर देश के किसान। कहा अगर मोदी अमित शाह ने नहीं लिया कृषि कानून वापस तो करेंगे संसद का घेराव और देश में करेंगे चक्का जाम। जहां दोस्तों खुली धमकी किसानों ने मोदी अमित शाह को दे दिया, तो वहीं आपको बताएंगे कि भाजपा की असम सरकार ने असम के सारे मदरसों को आज किया बंद, सिलेबस से हटाया इस्लामिक पाठ्यक्रम। जी दोस्तों ये बड़ा ऐलान भाजपा ने असम में कर दिया। तो वहीं आपको बताएंगे कि फेसबुक को लेकर भाजपा और आरएसएस पर बरसे ओवैसी। कहा फेसबुक भाजपा को खुश करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा को दे रहा है बढ़ावा। जी दोस्तों ओवैसी ने बड़ा हमला फेसबुक पर आज किया है। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार एनडीए में पड़ी फूट, गिर सकती है बिहार में नीतीश सरकार। नीतीश के खिलाफ हुए भाजपा के मंत्री, कहा मेरे विभाग में बड़े पैमाने पर हो रहा है भ्रष्टाचार। जी दोस्तों नीतीश के दावों की बीजेपी पोल खोल रही है, भ्रष्टाचार को लेकर बढ़ गई है नीतीश की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि जेएनयू की छात्रा ने दिल्ली कोर्ट में किया दावा, दिल्ली दंगों के पीछे कपिल मिश्रा का हाथ, अब जा सकता है कपिल मिश्रा जेल। तो वहीं आपको बताएंगे कि मोदी भक्त कंगना रनावत को महाराष्ट्र में शिवसेना विधायक ने दिया तगड़ा झटका। कंगना के खिलाफ शिवसेना विधायक ने विशेष अधिकार हनन का भेजा है नोटिस, बढ़ गई है कंगना की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि अमेरिका और तुर्की में बड़ा तनाव, अमेरिका ने तुर्की पर लगा दिए आज प्रतिबंध। जी दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच बता दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि किसानों के बाद देश के डॉक्टरों ने मोदी अमित शाह को दिया तगड़ा झटका। एम्स के 5000 डॉक्टर आज भूख हड़ताल पर गए, मोदी अमित शाह के खिलाफ खोल दिया है देश के डॉक्टरों ने मोर्चा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर अभी देश में मोदी सरकार का विरोध कम नहीं हुआ है कि अब किसानों के बाद देश के डॉक्टरों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल आपको बता दें कि एम्स के करीब 5000 नर्सिंग स्टाफ आज अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि देश के डॉक्टरों का कहना है कि काफी समय से उनकी मांगे हैं जिन्हें मोदी सरकार पूरा नहीं कर रही है, इसके चलते ही हड़ताल का फैसला डॉक्टरों ने लिया है। मैं आपको बता दें कि देश के डॉक्टरों ने बताया है कि हड़ताल 16 दिसंबर से शुरू की जानी थी, लेकिन इसे किसान आंदोलन को देखते हुए 15 दिसंबर से शुरू किया गया। वहीं आपको बता दें कि नर्सों और डॉक्टरों ने बताया है कि हमारी मांगे करीब 23 हैं, जिन्हें मोदी सरकार ने कुछ को तो मान लिया है लेकिन कुछ मांगों को अभी तक नहीं माना है, इसीलिए हम इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कई सालों से जो कॉन्ट्रैक्ट पर डॉक्टर और नर्सेस काम कर रही हैं उन्हें पक्का करे, तभी हम इस किसान आंदोलन के साथ इस डॉक्टर हड़ताल को खत्म करेंगे। जी दोस्तों ये बड़ी मांग कर दी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर मोदी सरकार नर्सों से अस्पतालों में काम करा रही हैं उन्हें पक्के में लेकर आए, सरकारी नौकरी उनकी पक्का करे, तभी इस हड़ताल को हम खत्म करेंगे। तो देश के किसानों के बाद देश के डॉक्टरों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन में आज एक और किसान की मौत, तो किसानों का फूटा मोदी अमित शाह पर गुस्सा। कहा 19 दिसंबर से पहले मोदी ले ले कृषि कानून वापस, नहीं तो पूरे देश में करेंगे चक्का जाम। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 20वें दिन भी जारी है। इस बीच आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों की मौत का सिलसिला भी जारी है। आज एक और किसान की सिंधु बॉर्डर पर मौत हो गई है। इसके साथ ही आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान मक्कन सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, वह पंजाब के रहने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में जबरदस्त ठंड पड़ रही है और
इसी ठंड में किसान जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी को लेकर किसानों की मौत लगातार हो रही है। तो वहीं आपको बता दें कि किसान की मौत के बाद किसानों का मोदी अमित शाह पर गुस्सा फूटा है और किसानों ने मोदी अमित शाह को चेतावनी दी है कि वह 19 दिसंबर तक कृषि कानून को वापस ले लें, नहीं तो पूरे देश में वह चक्का जाम करेंगे। वहीं किसानों ने मोदी सरकार से बातचीत के लिए 3 शर्तें भी रखी हैं। किसानों ने कहा है कि मोदी सरकार से हम तभी बात करेंगे जब मोदी सरकार पहली बातचीत के पुराने प्रस्ताव को खत्म करे और जिसे कृषि संघ ने खारिज कर दिया है। वहीं किसानों ने दूसरी मांग की है कि सरकार को एक नया एजेंडा तैयार करना चाहिए और फिर तीसरी बात किसानों ने कही है कि बातचीत कृषि कानून को निरस्त करने पर केंद्रित होनी चाहिए और इसके अलावा किसी मुद्दों पर किसान मोदी सरकार से बात नहीं करेंगे, तो ये खुली चेतावनी किसानों ने दे दी है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम में भाजपा ने सभी मदरसों को किया बंद, सिलेबस से हटाया इस्लामिक पाठ्यक्रम। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि भाजपा शासित असम में आज सारे मदरसे बंद हो गए हैं, साथ ही बीजेपी शासित राज्य में इस्लामिक पाठ्यक्रम को सिलेबस से आज हटा दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश सरकार ने सभी राज्य संचालित मदरसों से इस्लामिक विषय हटाने के लिए मंजूरी दे दी है। यही नहीं, इन संस्थानों को रेगुलर स्कूलों में भी तब्दील करने का भाजपा ने फैसला लिया है। सरकार ने इसके अलावा संस्कृति स्कूलों को भारतीय विरासत और सभ्यता का सेंटर ऑफ लर्निंग में बदलने की अनुमति भी दे दी है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और असम के शिक्षा मंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि साल 1934 में जब असम को सर सैयद सदाउल्लाह के तहत मुस्लिम लीग सरकार चला रही थी तब मदरसा शिक्षा को असम के एजुकेशन कैरिकुलम में लाया गया था, लेकिन अब भाजपा सरकार है इसलिए भाजपा सरकार ने यह फैसला लिया है कि इसे धर्मनिरपेक्ष बनाया जाए और असम से जो है सरकारी मदरसे जो चल रहे हैं उसे खत्म किया जाए और इस्लामिक सिलेबस को भी हटाया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि इस्लामिक सिलेबस भी हटा दिया है और मदरसे भी आज बंद कर दिए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी ने फेसबुक को लेकर भाजपा और आरएसएस पर बोला जोरदार हमला, कहा फेसबुक भाजपा को कर रही है खुश और दे रही है मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा भड़काने को बढ़ावा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि AIMM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल का हवाला देते हुए फेसबुक पर आज निशाना साधा है। एक खबर को रीट्वीट करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि फेसबुक बीजेपी को खुश रखने के लिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा को बढ़ावा भारत में दे रहा है। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि फेसबुक बीजेपी के नियंत्रण में काम कर रहा है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि बजरंग दल और 2 अन्य समूह को फेसबुक पर केवल इसलिए बैन नहीं किया गया क्योंकि फेसबुक बीजेपी नेताओं को नाराज भारत में नहीं करना चाहता था। फेसबुक ने यह भी आशंका जताई थी कि उसके कर्मचारी और कार्यालयों पर हमला किया जा सकता है। वहीं आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी को खुश रखने की लागत यह है कि फेसबुक मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा को बढ़ावा आरएसएस और बजरंग दल को देता था और उनके खिलाफ फेसबुक को कोई भी कार्रवाई नहीं करता था। तो ये बड़ा हमला असदुद्दीन ओवैसी ने आज फेसबुक पर बोला है। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार एनडीए में पड़ी फूट, गिर सकती है बिहार में नीतीश सरकार। नीतीश के दावों की भाजपा ने खोली पोल, भाजपा के मंत्री बोले मेरे विभाग में बड़े पैमाने पर है भ्रष्टाचार। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार में 43 सीट जीतने वाली जेडीयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अब भाजपा ने मुश्किलें बिहार में बढ़ा दी हैं और भाजपा ही अब नीतीश कुमार के दावों की पोल खोल रही है। और भाजपा के बड़े मंत्री ने आज नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरे विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बिहार में हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार की कैबिनेट में बीजेपी के कोटे से मंत्री बने राम सूरत राय ने आज बड़ा बयान दिया है। राम सूरत राय बिहार के भूमि सुधार और राज्यसभा मंत्री हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त बिहार के दावे की आज नीतीश कुमार के पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि उनके विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। आगे उन्होंने कहा कि जमीन की दाखिल खारिज में खूब मनमानी बिहार में होती है, बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट के ही दाखिल खारिज कर दिया जाता है।
रसूखदार तो पैसे के बल पर अपना काम करवा ले जाते हैं, लेकिन आम आदमी फिसता रहता है, उनका काम आसानी से नहीं होता है। जबकि नीतीश कुमार ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो इसे बिहार भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, और हर तरफ से बिहार में अब नीतीश कुमार की भाजपा के नेता ही पोल खोल रहे हैं, यानी भाजपा अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाना चाहती है। तो बड़ी अपडेट आ रही कि नीतीश कुमार के खिलाफ अब भाजपा के मंत्री खड़े हो गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला, कहा प्रदर्शनकारी किसान खालिस्तान तो देशभक्त कौन। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान प्रदर्शन, आज 20वें दिन की सूली चढ़ गया है और किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं। अब इसी को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है और आरोप लगाया है कि मोदी सरकार किसानों के प्रदर्शन को बदनाम कर रही है और उसे खालिस्तानी बता रही है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार के लिए विरोध करने वाले स्टूडेंट राष्ट्र विरोधी हो जाते हैं, देश के जिम्मेदार और चिंतित नागरिक अर्नब नक्सलवादी हो जाते हैं, प्रवासी मजदूरों को कोरोना कैरियर कहा जाता है, बलात्कार के पीड़ितों का कोई अस्तित्व नहीं है, विरोध प्रदर्शन करने वाले किसान खालिस्तानी हैं और क्रोनी कैपिटलिस्ट उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। तो ये बड़ा हमला राहुल गांधी ने आज बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जेएनयू की छात्र ने दिल्ली दंगों के पीछे बताया भाजपा नेता कपिल मिश्रा का हाथ, कोर्ट में दी दलीलें। जय दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत के समक्ष आरोप लगाया है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामलों में आरोपी जेएनयू छात्रा देवंगना कलिता ने बताया है कि दिल्ली दंगों के पीछे, सांप्रदायिक दंगों के पीछे कपिल मिश्रा का दिल्ली में हाथ था। उन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि दिल्ली पुलिस अगर सही तरीके से जांच करती तो भाजपा के कई बड़े नेता दिल्ली दंगों में आते और उनके पोल खुलती और वह जेल जाते। भाई आपको बता दें कि आगे जेएनयू छात्रा ने दिल्ली पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने भी ठीक ठाक से कार्रवाई दिल्ली दंगों में नहीं की और बेगुनाह लोगों को जेल में डाला और भाजपा नेताओं को दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस ने बचाया। आगे उन्होंने कहा है कि दिल्ली दंगों का शुरुआत कपिल मिश्रा ने किया था और जो लोग CAA और NRC का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने दंगों की शुरुआत नहीं की थी। वहीं आपको बता दें कि आगे जेएनयू छात्रा ने बताया है कि कपिल मिश्रा ने ही दिल्ली दंगों को अंजाम दिया और कपिल मिश्रा ने ही दिल्ली दंगे करवाए हैं। तो ये दिल्ली पुलिस ने दलील कोर्ट में दी है जेएनयू छात्रा की, जिस पर दिल्ली पुलिस ने आपत्ति भी जताई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कंगना रनावत की बड़ी मुश्किलें, शिवसेना विधायक ने कंगना रनावत को भेजा विशेष अधिकार हनन का नोटिस, अब जाएगी विधानसभा कंगना। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि मोदी भक्त कंगना रनावत को आज महाराष्ट्र में शिवसेना ने तगड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने कंगना रनावत के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस विधानसभा अध्यक्ष को भेजा है, जिसमें कहा है कि कंगना रनावत ने उन पर झूठे आरोप लगाए थे। दरअसल आपको बता दें कि कंगना ने सोशल मीडिया पर शिवसेना विधायक सरनाइक के घर से पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड मिलने की बात कही थी। अब अगर विधानसभा अध्यक्ष मंजूरी देते हैं तो कंगना को विधानसभा में हाजिर होकर अपना स्पष्टीकरण देना होगा। सरनाइक ने अपने नोटिस में कहा कि ईडी ने उनके आवास पर 2 छापे मारे और उन छापों में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, जबकि कंगना रनावत ने पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड मिलने का आरोप सरनाइक यानी शिवसेना विधायक पर लगाया था, जिसके बाद अब कंगना की मुश्किलें बढ़ गई हैं, विशेष अधिकार हनन का नोटिस भेज दिया है कंगना के खिलाफ। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका और तुर्की में बड़ा तनाव, अमेरिका ने रूसी मिसाइल प्रणाली के खरीदने के लिए तुर्की पर लगा दिए प्रतिबंध। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान के खिलाफ आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन के बाद अब अमेरिका ने तुर्की के खिलाफ कड़े प्रतिबंध आज लगा दिए हैं। अमेरिका ने तुर्की पर रूसी मिसाइल प्रणाली की खरीद को लेकर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बताया है कि रूसी S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए संयुक्त
संयुक्त राज्य अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। बता दें कि तुर्की की अर्थव्यवस्था और वहां की मुद्रा लीरा पहले से ही बुरे दौर में है। ऐसे में उर्दोगान के सन की कीपन की कीमत वहां की जनता को अब चुकानी पड़ेगी। तो ये बड़ा कदम और कड़ा कदम जो है तुर्की के खिलाफ अमरीका ने उठाया है। इससे पहले ईरान पर भी कई कड़े प्रतिबंध अमरीका ने लगाए थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आज के दिन ही जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में हुआ था नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बवाल। छात्र बोले इस काले दिन को कभी नहीं भूलेंगे। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पिछले साल 15 दिसंबर को ही नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के दौरान दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में दिल्ली पुलिस ने कैंपस के भीतर लाठीचार्ज किए थे। यहां तक कि बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों ने लाइब्रेरी में पढ़ रहे छात्रों पर लाठियां बरसाई थी, जिसमें 150 से अधिक छात्र घायल हुए थे। और उससे पहले 13 दिसंबर को राजघाट के लिए निकाले जाने वाले प्रदर्शन को भी पुलिस ने गेट पर ही रोक लिया था, जिसके बाद जबरदस्त आंसू गैस के गोले दागे गए थे और हिंसा हुई थी। और उसके बाद ही दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दंगे हुए थे। आज इसको 15 दिसंबर यानी एक साल हो गया है, और एक साल होने पर जामिया के छात्रों ने काफी कुछ कहा है। जामिया के छात्रों ने कहा है कि हम इस काले दिन को कभी भी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। भाई आपको बताने की छात्रों ने आज बताया है कि हमें जब हमला किया गया था पुलिस का, तो हमें उम्मीद थी कि हम जिंदा बचेंगे या नहीं। जी दोस्तों ये छात्रों ने बड़े बातें आज कही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि आज एक साल इस हिंसा को लेकर हुआ है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान आंदोलन को लेकर फिर से भाजपा ने रची नई साजिश। मध्य प्रदेश के भाजपा कृषि मंत्री बोले किसान आंदोलन में हो रही है विदेशों से फंडिंग। जी दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को कुकुर मुत्ता करार दिया है। कमल पटेल ने कहा है कि ये किसान संगठन कुकुर मुत्तों की तरह उग आए हैं। ये किसान नहीं है बल्कि व्हील डीलर है और एंटी नेशनल है। कमल पटेल ने बीजेपी के किसानों से बातचीत के कार्यक्रम के तहत उज्जैन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही हैं, और उन्होंने कहा है कि ये किसान संगठन नहीं है बल्कि ये तो अब देशद्रोही लोग हैं, और इनके खाने पीने के खर्चे की विदेशों से फंडिंग हो रही है। जी दोस्तों ये फिर से आरोप किसानों पर लगा दिया है, और किसानों का आंदोलन फिर से बदनाम करने की भाजपा ने नई साजिश रच दी है।